आखिरकार खराब वक्त के बाद रविंद्र जडेजा अब अपने अच्छे दिनों से रूबरू हुए हैं। जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, तो वहीं अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को शानदार स्कोर खड़ा करने में मदद भी की। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा ने भारत को ड्रॉ की स्थिति से जीत तक पहुंचाया। इसके बाद अब जडेजा ने अगले साल के लिए एक वादा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर विदेश में खराब प्रदर्शन करने वाली टीम का टैग लगा हुआ है और वो इसे हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जडेजा ने एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से कहा, मैं और मेरी टीम दुनिया में मौजूद अपने प्रशंसकों से वादा करना चाहते हैं कि भारत 2017 में विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। हम विदेश में खराब प्रदर्शन करने वाली टीम का टैग हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा। भारत ने लगातार कई सीरीज अपने नाम की। भारत ने इस बार 11 में से 8 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की। उनका मानना है कि टीम के इतने अच्छे प्रदर्शन के पीछे की मुख्य वजहों में से एक है खिलाड़ियों की फिटनेस। उन्होंने कहा, अब खिलाड़ी बहुत फिट हैं और काफी समय जिम में बिताते हैं। यही कारण है कि हम मैदान में फिटनेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। वैसे जडेजा की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में उनका प्रदर्शन उनकी इस बात की तस्दीक करता है।